Okay, so welcome to this session, everyone. In last two math session, we have learned all the properties and all the definitions of determinant. Determinant के सारी properties और definition आपने पढ़ ली है, वो matrices से कौन कौन से point of view से कौन कौन सी property में कैसे कैसे अलग है वो भी आपने देख लिया है. अब हम उन सभी knowledge की या आपके सभी जितने भी properties या definition आपने देखी है उसके application देखने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप application नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. तो उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं एंड वो सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं वन बाय वन कि अभी उन्हें डिटरमिनेंट में अप्लाई कैसे करना है. इफ डिटरमिनेंट a प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस पी ए प्लस टू ए प्लस थ्री ए प्लस क्यू ए प्लस थ्री ए प्लस फोर ए प्लस आर इक्वल टू जीरो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर इन क्लास एक्सरसाइज 19.3. ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस पी अगेन ए प्लस टू ए प्लस थ्री ए प्लस क्यू ए प्लस थ्री ए प्लस फोर ए प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, देन पी क्यू आर इन. पी क्यू आर किसमें होंगे, ए पी जी पी एच पी और नन. चलो ये देखते हैं स्टूडेंट्स. ओके, वन बाय वन वन बाय वन. आपको पहले ये दिया गया है कि यहाँ पे ये आपका जीरो है. ओके सॉरी. चलो अब डिटरमिनेंट आपको जीरो दिया गया, आपको पी क्यू आर निकालना है. आप किस तरीके से कर सकते हो, आइदर आप सारस रूल अप्लाई कर सकते हो. सारस रूल अप्लाई करोगे तब जाके बहुत बड़े सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको कुछ मिलेगा पी क्यू आर के बीच का रिलेशन, हाँ या ना. या फिर आप नॉर्मल एक्सपांड कर सकते हो, तब भी यही प्रोसेस होगी. बट अगर सभी एलिमेंट्स में आप देखें आइदर कॉलम वाइज या रो वाइज, तो ए सभी एलिमेंट में है, हाँ या ना. राइट, ए इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो क्या उसका हम कुछ फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रोसेस अप्लाई करके कुछ कर सकते हैं. हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन है जिसमें हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड एक रो को दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं. यस और नो एवरीवन, यू कैन टेल मी यस. एंड पर्टिकुलरली उसके हिसाब से डिटरमिनेंट में क्या चेंज होगा वो हम करते जाएंगे. जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम माइनस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट में के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बैलेंस करने के लिए वन बाई के कर देंगे, और यहाँ पे तो डिटरमिनेंट सेम ही रहता है तो कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, यस अभिराम. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके अभिराम इज टेलिंग कि सर हम यहाँ पे दो रो या दो कॉलम सेम वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो ओवेश ने भी शायद वही अप्लाई किया है कि ये डिटरमिनेंट आपका जीरो कब होगा, जब ये दोनों कॉलम सेम होंगे या ये दोनों कॉलम सेम होंगे, बिकॉज सी वन एंड सी टू तो आपके सेम नहीं है, हाँ या ना. एवरी वन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो ये जीरो है, दैट मीन्स आइदर सी वन इक्वल टू सी थ्री और सी टू इक्वल टू सी थ्री. अगर आप डायरेक्टली लॉजिकली सोच रहे हैं तो इफ सी वन इक्वल टू सी थ्री देन पी क्यू आर शुड बी वन टू थ्री. राइट, पी शुड बी वन, क्यू शुड बी टू, आर शुड बी थ्री. C2 equal to C3, P should be 2, Q should be 3, R should be 4. तो इन दोनों केस में वो आपका हो जाएगा AP. ये एक shortest way में आप सोच सकते हैं. Right? You can think like that. Are you getting my point? या थोड़ा और अगर आप इसे सोचें with respect to this all row operations, elementary or column operations, तो समझना यहाँ पे. क्या C1 या C2, C2 में से अगर मैं C1 को subtract करूँगा तो सारे A वाले cancel हो जाएंगे? You can tell me yes, everyone. अगर C2 में से मैं C1 को कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा. Now रोहित is telling sir determinant zero है तो क्या हम कोई भी एक रो या कॉलम को जीरो बना सकते हैं? रोहित पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है रोहित, क्योंकि सिंस हमें ए के बारे में कुछ बोला नहीं है. बट किसी भी रो या कॉलम को आप जीरो बनाओगे तो कैसे होगा आप समझना. मान लो ये रो को जीरो बना रहे हो तो इधर ए माइनस वन मिलेगा, ए माइनस टू मिलेगा, ए माइनस थ्री मिलेगा, which cannot be possible at the same time, हाँ या ना. Because A एक आपका constant है तो either वो minus one होगा, minus two होगा या minus three होगा. तो वो वाला concept हम यहाँ पे direct apply नहीं कर पाएंगे. Is this clear? Right? So चलो अब ये point of view से सोचते हैं. Suppose मैं C two में से C one को subtract करता हूँ. So if I subtract C one from C two, what I'll be get? मुझे ये पता है कि new determinant और पुराना determinant ये process से same होता है, तो उसकी value zero की zero रहेगी. अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा a माइनस ए जीरो, टू माइनस वन वन, ए माइनस ए जीरो, थ्री माइनस टू वन, फोर माइनस थ्री वन, ए माइनस ए जीरो, तो इधर आपके पास बचेगा वन वन वन. यहाँ पे आपके पास है ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री एज इट इज.
एंड इधर आपके पास है ए प्लस पी, ए प्लस क्यू, ए प्लस आर। चलो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, एक चीज ऑलवेज समझना, ये मैंने शायद आपको पहले कराया है, जब भी डिटरमिनेंट में सॉल्व करते टाइम हम ये एक चीज करने वाले हैं, ये चीज हमने की है जब हम मैट्रिसेस में ये प्रोसेस यूज करते थे स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस में हम जब रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, रो इकलन फॉर्म इज नथिंग बट जब आप उसे अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, 100 राइट, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, दिस इज नथिंग बट योर रो इकलन फॉर्म, इसका दूसरा नाम रो इकलन फॉर्म है। नाउ अब यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आप ये 1 की मदद से 2 जीरो बनाते थे, यस और नो एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सिमिलरली जब भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम जब जब हमारे पास 3 1 एक साथ आ जाएंगे या जब भी हमारे पास बहुत सारे 1 होंगे, हम कोई भी एक 1 को पकड़ के बाकी के 2 1 को जीरो करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगेन डिटरमिनेंट को सॉल्व करते टाइम हम सारी रो या कॉलम ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैक्सिमम जीरो लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना आसान हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो वेन एवर वी आर हैविंग मैक्सिमम वंस, सबसे पहले 1 लाएंगे और किसी एक 1 को पकड़ के बाकी के 2 1 को जीरो करेंगे। इसे मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे अपने आप याद रह जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वही समझा रहा हूँ ना, इसीलिए हमने तो पूरा डिफरेंस देखा था कि मैट्रिसेस में हमारे पास क्या था कि जब आप ए में कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो बी वाला छोड़ के सी में सेम रो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तब बैलेंस रहेगा, राइट? अल्टीमेटली वी नीड टू बैलेंस, ये हमारा मैट्रिसेस में होता था। बट डिटरमिनेंट में क्या होगा, ये ऑपरेशन जब आप अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट डिटरमिनेंट एंड न्यू डिटरमिनेंट सेम रहेगा। दैट मींस एग्जैक्टली डिटरमिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स विल बी सेम। तो इसीलिए अब इसमें आरएचएस एलएचएस वाला कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। ओके नेक्स्ट, सो हियर नाउ R3 में से मैं R2 को सबट्रैक्ट कर दूंगा, R3 माइनस R2, एंड R2 में से मैं R1 को सबट्रैक्ट कर दूंगा। समझना क्यों R3 में से R2 को कर रहा हूँ, डायरेक्ट R1 भी कर सकती हूँ, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी, आप जैसा कर सकती हूँ। चलो वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 है, सभी जगह 1 विजिबल है डायरेक्टली। ए प्लस 3 माइनस ए प्लस 2 विल बी 1, राइट? 1 माइनस 1 0, ए प्लस आर माइनस ए प्लस क्यू, तो माइनस ए कैंसल, ये बन जाएगा आपका ए प्लस आर माइनस क्यू, ए माइनस ए कैंसल, राइट? सो डेफिनेटली ओनली आर माइनस क्यू। आर फिर आर टू में से आर वन सबट्रैक्ट कर रहे हो, ए माइनस ए कैंसल, 2 माइनस 1 विल बी 1, 1 माइनस 1 0, ए माइनस ए कैंसल, दिस विल बी योर क्यू माइनस पी। यहाँ पे आपके पास बचेगा ए प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा ए प्लस पी, राइट? नाउ कैन यू एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट फ्रॉम सेकंड कॉलम, कैन यू एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट फ्रॉम सेकंड कॉलम? बिकॉज यही तो मेन फायदा है ना, राइट? मैक्सिमम जीरोस लाने का यही फायदा है। तो जब मैं यहाँ से एक्सपांड करूंगा, व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन? प्लस माइनस प्लस, राइट? प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस, प्लस प्लस। सो माइनस 1 इनटू माइनस 1 की रो और कॉलम को जब आप हाइड कर दोगे तब आपको मिलेगा 2/2 डिटर्मिनेंट विच इज हैविंग एलिमेंट्स 1 क्यू माइनस पी, 1 आर माइनस क्यू इक्वल टू 0। माइनस 1 बाहर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0 ही होगा, आर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0, आर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस पी इक्वल टू 0। ये माइनस 2q है, उधर जाएगा तो प्लस 2q हो जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू आर प्लस पी और 2q इक्वल टू पी प्लस आर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट PQR आर इन AP, यस और नो एवरीवन? If ABC are in AP, then 2B should be A plus C. PQR are in AP. तो ये पूरी बड़ी मेथड हो गई, एंड जो ओवेशन अभी हमने ऑब्जर्व किया वो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो दिस इज योर शॉर्टकट और दिस मेथड। यहां तक क्लियर है? यस जितेंद्र।
सर लास्ट सारस रूल नहीं लगा सकते क्या प्रद्युमन? सारस रूल लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या? वो लास्ट में जब वो जीरो जीरो हो गया उसके बाद सारस रूल भी लगा सकते थे। हाँ वो एक मिनट, जीरो जीरो हो गया उसके बाद क्या सा, हाँ लगा सकते हैं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। उसको एक्सपैंड करने के लिए आइदर यू कैन अप्लाई सारस रूल, आइदर यू कैन एक्सपैंड फ्रॉम देयर। अब यहाँ से लिखना शुरू करो पहले जल्दी जल्दी। देन यस ऑलवेज जस्ट अ मिनट, सी वन इक्वल टू के सी थ्री, पी क्यू आर, नहीं C1 वन इक्वल टू के सी थ्री मतलब C1 वन प्लस के सी थ्री कर रहे हैं क्या? C1 वन इक्वल टू के सी थ्री और वी आर टेकिंग प्रपोजन बिकॉज जीरो है तो शुड बी इन प्रपोजन। ए प्लस वन इक्वल टू के ए प्लस पी, तो पी को, अच्छा पी क्यू आर को सब्जेक्ट बनाया। ओके 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 ओके, तो दोनों से ये मिल जाएगा ठीक है, या फिर प्रपोर्शन में भी हो सकते हैं, एग्री राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि वो इक्वली हो, दे कैन बी इन प्रपोर्शन एज वेल। Okay, do it quickly, everyone. So this is another observation of always कि starting में हम equal to की जगह proportion लेके कर रहे हैं। ठीक है, so let me import next question, वो शुरू करते हैं। अब आपको ये सारे रूल्स अप्लाई करने में और मजा आएगा। ओके, कैन आई शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर टू, लिखने में थोड़ी स्पीड बढ़ाओ राइट, कुछ कुछ स्टेप्स मेरे साथ लिखते जाओ, कुछ कुछ राइट, नॉट ऑल। जब ऐसा लगे कि हाँ समझ में, वहां पे समझने में ध्यान दो, वो स्टेप्स मत लिखो, फिर वो बाद में मुझे भूलो। तो क्वेश्चन के साथ आपका थोड़ा बहुत मैं जब समझा रहा हूँ तब लिखा होगा, फिर एक दो मिनट लूंगा तो बाकी का उसमें आपका खत्म हो जाएगा। चलो, दो डिटरमिनेंट आपको दिए गए, इफ डी वन इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी सी डी सी प्लस डी ए बी ए माइनस बी, डी टू इक्वल टू ए सी ए प्लस सी बी 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 प्लस बी ए सी ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ डी वन बाई डी टू, आपको वैल्यू पूछी जा रही है डी वन बाई डी टू की, डिविजन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, वेर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, बी जीरो नहीं है और ए डी और बी सी सेम नहीं है, तो क्या होगा? चलो किस तरीके से कर सकते हैं, yes? कुछ देखा देखा लग रहा है, समझो यहाँ पे, इधर ध्यान दो, जो आपको D1 दिया गया है, can you see this D1? This is your A, B, A plus B, C, B, C plus D, A, B, A minus B. Okay. Now, यहाँ पे दो रो आपकी कॉन्स्टेंट है, तीसरी रो में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, मैं क्या यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, समझना, D1 को जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी, लास्ट प्रॉपर्टी देखी, उसको रिवर्स अप्लाई करूं, ए सी ए बी डी बी प्लस अनदर डिटर्मिनेंट विच इज हैविंग एलिमेंट्स ए सी ए बी डी बी इन फर्स्ट टू कॉलम्स, तो थर्ड कॉलम को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूं,
इधर आपके पास हो जाएगा ए सी ए और इधर आपके पास हो जाएगा बी डी माइनस बी. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. हाँ या ना? यस सर. से सब एग्री हो? चलो अब फर्स्ट डिटरमिनेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो साम्या? फर्स्ट डिटरमिनेंट में कुछ कुछ दिख रहा है? समथिंग कैन यू ऑब्जर्व इन फर्स्ट डिटरमिनेंट? एनीवन? रिया, मानसी? यस, वेरी गुड समर, वेरी गुड अभिराम. सो ए सी ए, ए सी ए, ये दोनों सेम है. इफ टू कॉलम्स आर सेम, व्हाट विल बी डी वन? मतलब व्हाट विल बी दिस फर्स्ट डिटरमिनेंट वैल्यू? जीरो, बिकॉज सी वन इक्वल टू सी टू. ना अब सेकंड डिटरमिनेंट में भी अगर आप ध्यान से देखो, इन सेकंड डिटरमिनेंट जो आपके पास है वहां पे बी बी डी डी सेम है, बस लास्ट वाला बी और माइनस बी है. एम आई करेक्ट? लास्ट वाला जस्ट आपके पास बी और माइनस बी है. सो व्हाट वी कैन डू नाउ हियर, आइदर दोनों को ऐड कर देंगे या दोनों को सेपरेट कर देंगे. सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम को जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, बट सेपरेट करोगे तो दो एलिमेंट माइनस होंगे. सो दैट विल बी प्लस पॉइंट. सो यहाँ पे ये वाले डिटरमिनेंट में आपका हुआ सी वन इक्वल टू सी टू, ये वाले सेकंड डिटरमिनेंट में व्हाट आई विल डू नाउ, बड़े सी थ्री को जीरो बनाना है तो सी थ्री में से मैं सी टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा. सी वन एज इट इज ए सी ए बी डी बी, बी माइनस बी विल बी जीरो, डी माइनस डी विल बी जीरो, माइनस बी विल बी माइनस टू बी. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. राइट, तो यहाँ पे डी वन की वैल्यू मुझे मिल सकती है. अब मैं डी वन को आसानी से एक्सपांड कर सकता हूँ, प्लस माइनस प्लस, माइनस टू बी से एक्सपांड कर सकता हूँ. तो ब्रैकेट में बचेगा ए डी माइनस बी सी, माइनस अंदर दे देंगे कि बिकॉज माइनस में फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती ही है, तो ये हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए डी. ये हमें मिला डी वन. अब हमें ढूंढना है डी टू. डी टू के लिए भी क्या मैं सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकता हूँ? समझो, डी टू इज डिटरमिनेंट ए बी ए सी डी सी ए प्लस सी डी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी. ओके, अब यहां पे भी अगर आप देखो तो ए बी ए सी डी सी है एंड इधर सम है, तो ए बी ए सेम ए बी ए यहाँ पे है कि नहीं? You can tell me yes if you agree, right? अब इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हो. जैसे पहली मेथड में क्या किया मैंने, एडिशन अलग किया, या फिर पहले में आप ये करते कर सकते थे कॉलम वन को डायरेक्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? वो भी हम कर सकते हैं. जैसे व्हाट आई कैन डू, सी थ्री में से मैं सी वन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सी थ्री में से जब आप सी वन को सब्ट्रैक्ट करोगे, योर न्यू डिटर्मिनेंट विल बी एज इट इज ए बी ए सी डी सी, ये निकल जाएगा सी बी बी प्लस सी. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. पता चल रहा है ना? सो सेम प्रोसेस जो लेफ्ट साइड पे अप्लाई की, राइट साइड पे अप्लाई की, दोनों का पर्पस सेम है. दोनों में आप डी वन और डी टू में जो भी मैंने अप्लाई किया उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो. मानसी, रिया, कोशी, आप सब हो ना यहाँ पे, मीत, सिद्धार्थ, सानिया, निधि, पता चल रहा है? प्रद्युम्ना है ना, प्रद्युम्ना, निधि, क्लियर है? अनघा, अनिशा, राइट? अब फिर ये सी डी सी को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो देयरफॉर डी टू विल बी इक्वल टू ए बी ए, राइट, C, B, C. What I will do here? C3 will be changed to C3 minus C2. C minus C0, D minus B0, B plus C minus C, B. तो यहाँ पे आपको D2 की वैल्यू मिल जाएगी. B से जब आप एक्सपांड करोगे, it will be AD minus BC. अब आपको चाहिए D1 by D2. Earlier you got 2B into BC minus AD. Now you got B into AD minus BC. DB cancel, minus 1. So D1 by D2 will give you minus 2.
आसान है। इन शॉर्ट हमें निकालने डिटरमिनेंट की वैल्यू ही है, बट वो वैल्यू निकालने के लिए हम ये सारी ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं। सो क्विकली नोट डाउन दिस, आपका जो भी पोर्शन अभी बचा हुआ हो, छूटा हुआ हो ये क्वेश्चन में से, आसान है एवरीवन, राइट? थोड़ी स्पीड रखना। नहीं रोहित, डिवाइड करने की, दो डिटरमिनेंट को डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने की कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसी मेथड से आपको करना है। सर हाँ, वो जो लास्ट प्रॉपर्टी आपने बोली थी, अगर दो कॉलम या दो रो सेम होगा तो तीसरे वाले को ऐड करेंगे सर, हाँ। इसमें दोनों में कहाँ सेम है? सिर्फ एक में ही दो कॉलम सेम है ना, दूसरे वाले में तो है नहीं। मतलब D1 कहाँ पे, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? ओनली D1 और D2 की, दोनों की बात कर रहे हो? सर सिर्फ D1 की। D1 में ये जो पहले अप्लाई किया वो ना? हाँ सर। अब इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो रिवर्स हमने अप्लाई की, राइट? लास्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि अगर दो कॉलम सेम है, समझो जैसे अगर ये दो कॉलम सेम है, तो वो दो कॉलम को आप एज इट इज सेम रख के थर्ड कॉलम का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पे ACA है, BD माइनस B है, तो वो ACA BD माइनस B आपका रिस्पेक्टिवली ऐड हो गया, इजंट इट? अगर रिवर्स आप पहले देखो तो, राइट? अब वही लास्ट प्रॉपर्टी को अगर आप रिवर्स सोचो तो, कि एक रो या कॉलम में आपका एडिशन है, उसका आप दो डिटर्मिनेंट में सेपरेटली लिख सकते हो, ये पहली दो कॉलम या पहली दो रो आपको सेम लिखनी पड़ेंगी दोनों में पहली दो रो या पहली दो कॉलम सेम आनी चाहिए। इज दिस क्लियर? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? गॉट इट, ओके। चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ स्टूडेंट्स, थोड़ी। ओके, हाँ ये अभिराम, बट वेट मुझे थोड़ा दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे, और सानेश टेलिंग स्टूडेंट D1 बाई D2 इज -2C, नहीं 2C कहाँ से आ जाएगा? सी D1 का आंसर क्या है? 2B BC - AD, यहाँ पे BAD - BC, तो ये अगर ये BC - AD में से माइनस कॉमन निकालोगे तो वो AD - BC ही होगा, तो AD - BC और बी ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। सारस रूल से निकाल रहे हो, एक्सपैंड करके निकाल रहे हो, बट विदाउट अप्लाइंग दिस ऑपरेशन उसमें गोल गोल घूम जाओगे, घूमर घूमर हो जाएगा, राइट? होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
Okay, can you see this question number 3 on screen, everyone? Right, this is your B1 plus C1. B2 plus C2. B3 plus C3. C1 plus A1, C2 plus A2, C3 plus A3, then A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. ओके और आपको चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं. चार अलग अलग ऑप्शन में आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 है, मतलब एक ही डिटर्मिनेंट है. एक उसका 2 टाइम है, एक उसका 3 टाइम है, एक उसका 4 टाइम्स है. तो देखते हैं वन बाय वन. ओके ओके अभिराम, लेट अस सी नाउ. यस मीत इज टेलिंग सर इफ वी डू C3 माइनस C1 देन C2 विल बी इक्वल टू C3. लेट अस चेक. मीत इज टेलिंग टू डू C3 माइनस C1. तो C3 में से जब आप C1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, B1, B2, B3 चला जाएगा और इधर आपके पास बचेगा, इफ यू आर डूइंग C3 माइनस C1, आपके पास बचेगा A1, A2, A3 और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस C1 माइनस C2 माइनस C3. तो सेम नहीं होगा मीट. ओके C2 और C3 सेम नहीं होगा. नहीं उसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. सो जस्ट आप सोचो एंड आप बोलो आपके दिमाग में क्या आ रहा है. ओके हाँ तो अभिराम इज टेलिंग कि सर देख के ऐसा लग रहा है बाय सीइंग. अभिराम इज टेलिंग ऑप्शन बी. ओके अभिराम एंड अभिराम इज टेलिंग वी कैन डू लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ओनली एंड वी मस्ट एक्सचेंज द कॉलम. ठीक है करते हैं. बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि समेशन एक ही कॉलम में था, समेशन एक ही कॉलम में था तो हमारा काम आसान था, उसी को वो करना है, उसी को हमें हाँ सर, उसी को 3 बार रिपीट करना है सर. हाँ अच्छा तो अब यहाँ पे ओके ठीक है चलो करते हैं वन बाई वन. जैसे यहाँ पे एक चीज आपको ये क्लियर हो गई, जो मीत के दिमाग में आया ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले दिमाग में यही आता है. जरूरी नहीं है कि वो आपको C3 देख के आएगा, कोई भी दो कॉलम का सब्ट्रैक्शन पहले दिमाग में आएगा, बट वो सब्ट्रैक्शन करने से ये प्रॉब्लम हो रही है. समझ रहे हो ना, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है. तो बेटर है कि कहीं से दूर किया जाए, राइट. तो आइदर C1, C2, C3 कहीं से भी हम उसको एक्सपांड करते हैं. तो जैसे अभिराम स्टेलिंग सर C3 से करते हैं, तो C3 से करते हैं तो पहली दो कॉलम एज इट इज रहेगी. इसको मैं दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख रहा हूँ, पहली दो कॉलम एज इट इज रहेगी, तीसरी कॉलम में वो आपका छूट जाएगा. चलो देखते हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू पहली दो कॉलम एज इट इज B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, C1 प्लस A1, C2 प्लस A2, C3 प्लस A3. करो जितेंद्र सारस रूल अप्लाई करो यहाँ पे और सारस रूल अप्लाई करके मुझे भेजो व्हाट्सएप पे आपको क्या आ रहा है. तो यहाँ पे ये आपका हम एक्सपांड कर देंगे, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, C1 प्लस A1, C2 प्लस A2, C3 प्लस A3. सो दिस विल बी योर A1, A2, A3 and this will be your B1, B2, B3. Is this clear everyone? Please check A1, A2, A3, B1, B2, B3. हाँ या ना? Okay. अब क्या कर सकते हैं आगे? अब जैसे ये वाले determinant में देखो तो A1, A2, A3 इधर भी है. हाँ या ना? अब ये A1, A2, A3 को अगर मुझे यहाँ पे subtract करना होगा तो काम आसान हो जाएगा, सिर्फ C1, C2, C3 बचेगा. Please give me some response. Yes, Rohit. Right? कुछ तो बोलो. हाँ या ना? चलो अब मैं थोड़ा जेई मेथड से जा रहा हूँ, राइट. नाउ आई एम यूजिंग योर जेई मेथड. जेई मेथड में क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं. हाँ या ना? C2 में से मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूँ यहाँ पे. देखो कुछ तो बोलो, आपको बोलना पड़ेगा, चुप रहोगे तो नहीं चलेगा. जाग रहे हो, सो रहे हो, अब आप में से कितने लोग सो गए होंगे कैसे पता चलेगा. सो A1, A2, A3 यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये पूरा निकल जाएगा. कुछ तो बोलो जल्दी जल्दी, कमान कमान, टेल मी यस, राइट. यस सर. हाँ यस सर. यस सर.
बस इतने लोग ही जाग रहे हैं, ओके पांच यस लोग सर, जाग रहे हैं 27 में से, गुड यस सर। हाँ अरे वाह, मीत का तो क्या आवाज आया, वाह। चलो नेक्स्ट, अब सेम ये इधर हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, C1 C2 C3 C1 माइनस C2, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो ये, मैं चलो वन नोट है, सब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसीलिए काम आसान है। तो यहाँ पे बचेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3, हाँ या ना, इज दिस क्लियर? ओके सो जाओ, सो जाओ आराम से सो जाओ, जेई भी सो जाएगा, 2022 गया पानी में। इधर B1 B2 B3, अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, ये B1 B2 B3 यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दूंगा इधर, तो ये सबट्रैक्ट कर दूंगा तो इधर क्या बचेगा, C1 C2 C3 C1 माइनस C3, इधर आपके पास बचेगा C1 C2 C3, इधर आपके पास है C1 प्लस A1 C2 प्लस A2 C3 प्लस A3, इधर आपके पास है B1 B2 B3। सिमिलरली अब ये C1 C2 C3 को यहाँ से सबट्रैक्ट कर दूंगा, C1 C2 C3 को सबट्रैक्ट करने के बाद इधर आपके पास बस बचेगा A1 A2 A3, हाँ या ना, राइट? अब देखो दोनों जगह पे आपके पास क्या बचा है, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यही है दोनों जगह पे, समझो यहाँ पे लिखने का टाइम दूंगा मैं, पर पहले समझ लो। तो अब हमें जो आंसर दिए गए उसमें ए वाला फर्स्ट कॉलम में, बी सेकंड कॉलम, सी थर्ड कॉलम, अब हमें इंटरचेंज करना है, ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो A1 पहले आ जाएगा और B1 लास्ट में चला जाएगा, हाँ या ना, क्विकली? बट अब यहाँ पे समझो, जब मैं इंटरचेंज करता हूँ तो डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ता है, साइन चेंज। यस, डिटरमिनेंट की साइन चेंज होती है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस आगे लिखना पड़ेगा, तभी वो जाके पुराने डिटरमिनेंट से इक्वल होगा। A1 A2 A3 इधर, B1 B2 B3 इधर, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? इन द सेम वे इधर आपका C1 C2 C3 है, सो वापस ये B1 B2 B3 और C1 C2 C3 को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करूंगा तो वापस उसको बैलेंस करने के लिए माइनस साइन आ गया, तो आगे प्लस आ जाएगा, यस और नो एवरीवन? यहां पे मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो इधर आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके? इधर आपका माइनस साइन और माइनस का बन गया प्लस, आसान है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, राइट? हाँ, थैंक यू। हाँ सर, चलो सेम इधर। अब समझो, अब आपने ये पहली बार था इसलिए मैंने ये दिखाया, अब दूसरी बार है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ये पहले A1 को इधर लेके जाओगे और C1 को इधर लेके जाओगे तो एक माइनस साइन आएगी, फिर जो C1 इधर आएगा उसको इधर लेके जाओगे, B1 इधर आएगा तो और माइनस साइन आएगी, तो माइनस माइनस प्लस होके ये भी आपको सेम मिल जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? पहले हमने अप्लाई किया C1 इंटरचेंज C2, फिर हमने अप्लाई किया C2 इंटरचेंज C3, एंड फिर जब आप उसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 times, विच इज योर ऑप्शन नंबर B। राइट, देखने में लेंदी है, देखने में लेंदी है, बट प्रोसेस एकदम ईजी है, राइट? एंड अब एक बार समझ जाओगे ये प्रोसेस, फिर आप फटाफट फटाफट अप्लाई कर सकते हो, ओके? चलो पहले ये 2 steps को अपनी अपनी स्पीड में लिख दो जल्दी से, ओके? तब तक ओके ओवेश, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ वी कुड हैव डन C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, ओके? C1 प्लस C2 कर रहे हैं तो A प्लस 2B प्लस C आ जाएगा, एग्री? Then C1 equal to C1 minus C3 करेंगे, means C1 को C1 minus C3, wait, पहले किया C1 और C2 को add, तो A plus 2C plus B, A plus 2C plus B, A plus 2C plus B, A plus 2C plus B हुआ, A plus B cancel, तो इधर 2C 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 आ जाएगा, okay? फिर वो 2 कॉमन, सी 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 आ जाएगा, बी 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 ए, यस 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 यस, गॉट इट ओवेश, गुड, राइट? तो ओवेश ने क्या किया, जो C3 माइनस C1 मीत ने किया था उसका रिवर्स, कि आप C3 प्लस C1 कर रहे हो, ऐड करोगे तो A प्लस 2B प्लस C, A प्लस 2B प्लस C आएगा, A प्लस C को सबट्रैक्ट कर दो, 2B 2B बचेगा, 2 कॉमन निकाल दो, बी 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 बचेगा, माइनस करो ए, माइनस करो सी सी सी,
एबीसी 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 टू ऑलरेडी बाहर है, टू टाइम्स एबीसी। ओके, तो यही चीज समझनी है पहले मैथ्स में। हम फॉर्मूला में सारे फॉर्मूला और कंसेप्ट पढ़ते हैं फॉर्मूला बुक में, फिर रेगुलर बुक में कैसे अप्लाई करना है वो। हाँ रोहित, स्क्रॉल डाउन करूं? बोलो रोहित, क्या करूं, स्क्रॉल डाउन? मजा आ रहा है ना डिटरमिनेंट में एवरीवन? हाँ रोहित, थोड़ा सा नीचे सर। हाँ चलो जल्दी जल्दी लिखो, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, वाह क्या चीज है डिटरमिनेंट। अजीब है, कैसे ही घूमती रहती है, दो रो ऐड हो जाते हैं, दो कॉलम ऐड हो जाते हैं। ओके मीत, ग्रेट, यही मैथ्स है, ऐसा ही करके जाना है, ट्रायल एरर करने एंड जहां पे अटक रहे हो वहां पे अलर्ट लिख लिख के आगे बढ़ना है। डू इट क्विक, डू इट क्विक। थोड़ा अपनी अपनी लैंग्वेज में फटाफट लिख दो, जाए नेक्स्ट। सी, आपके सीनियर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी लास्ट ईयर, जब मैं ये लिखा रहा था वो लिखते नहीं थे, वो बोलते थे कि अरे हमें सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, अभी रो रहे हैं, अभी सेट में उनकी हालत सेट में भी खराब है, तो इसलिए अच्छे से लिखो। हाँ यस अभिराम, ऑप्शन में जीरो रहता है। तो आपने ये सब अभिराम देख के यही सोचा था कि आपने भी कुछ अलग सोचा कि पहले किसी भी एक जगह से छोड़ेंगे फिर वो सेम आ जाएगा माइनस माइनस करके कि फिर? हाँ एग्री, ऑप्शन में जीरो नहीं था इसलिए, क्योंकि बचेंगे तो दो डिटरमिनेंट ही, इंटरचेंज करके माइनस आ रहा है तो फिर जीरो। सर हाँ यस जितेंद्र, सर ये डिटरमिनेंट के अंदर हम रो और कॉलम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? सारी रो को कॉलम वाइज कर सकते हो, या ये दो रो को एक्सचेंज करोगे अंदर अंदर तो माइनस साइन लगेगी, एंड सारी रो को कॉलम में कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। ओके चलो जल्दी नोट डाउन कर दो। हो गया ग्रेट। थोड़ी थोड़ी जगह भी आप ऐसे बीच में छोड़ सकते हो लिखते टाइम, राइट, तो जो आप बाकी घर से फिर वापस लिख सकते हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ विराम वो बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपके टोटल क्वेश्चन से 8, कांग्रेचुलेशंस, हम क्वेश्चन 4 तक आ गए हैं। इसी स्पीड में चलते रहे तो मस्त सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर होमवर्क के 10 क्वेश्चन है वो आप घर से कर सकते हो, राइट, एंड 19.4 फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर सकते हैं। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन एवरीवन? हाँ यस जितेंद्र, ट्राई करो ना।
लेट ए इज इक्वल टू वन साइन वन माइनस साइन वन साइन माइनस वन माइनस साइन वन वेर जीरो लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन टू पाई then determinant a equal to 0, determinant a belong to 0 to infinite, determinant a belong to 2 to 4, determinant a belong to 2 to infinite, वो हमें देखना है. So, in short, determinant a हमें simplify करना है, ये matrix है. Okay, कैसे simplify कर सकते हैं? Tell me. Sir, C1 equal to C1 plus C3 करेंगे, तो 0, 0 आ जाएगा, फिर yes. सारा स्कूल लगाएंगे, तो काफी बहुत simplify हो जाएगा, बस दो आएंगे terms, 2 plus 2 sin square theta, तो वही आ जाएगा. Yes, that only Aryan. So C1 में मैं C1 plus C3 कर रहा हूँ, right? So determinant A, पहले determinant के form में लिख देता हूँ. So determinant A will be 1 minus 1 sin theta minus sin theta 1 plus 1 minus sin theta as it is 1 as it is sin theta as it is minus 1 as it is minus sin theta as it is 1 as it is. So this 1 minus 1 will be 0, sin theta minus sin theta will be 0. After getting these elements as 0, 0 and 2, right? Now just we can simplify this determinant with respect to this 2, plus minus plus. Yes, RS method aapko jo apply karna hai, perceptive, right? So better hum yahan pe 2 se agar expand kar de. So C1 plus C3 karenge to 1 plus Achha, 1, either 2 karenge. Maine R1 plus R3 kar diya. Likha maine C1 aur kiya maine R1. Okay. एंड दिमाग में भी ऐसा ही हुआ जब आपने C1 plus C3 बोला मैंने R1 plus R3 सोच लिया तो C1 plus C3 में तो पूरा हाँ C1 plus C3 में भी इधर 2 बचेगा फिर sin minus sin इधर 0 हो जाएगा 1 minus 1 इधर 0 हो जाएगा राइट तो C1 plus C3 में इधर आपके पास 2 0 0 आएगा जैसे यहाँ पे मुझे इधर 0 0 2 मिला है होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन राइट ये सब नो तो बस अब मैंने R1 plus R3 समझ लिया चलो ठीक है व्हाटएवर So 2 से अगर मैं expand कर रहा हूँ minus minus plus sine into sine sine square theta minus minus plus 1 into 1 1 1 plus sine square theta 2 times 1 plus sine square theta 1 plus sine square theta की हमारे पास और कोई formula नहीं है right so this is your determinant A now they have been given us that or they have given us that theta is from 0 to 2 pi By 0 is included, 2 pi is excluded. चल, sin theta आपको पता है, sin theta minus 1 से 1 के बीच में होगा. जहाँ पे minus 1 और 1 दोनों value possible है. तो sin square theta 0 से 1 के बीच में होगा. 1 plus sin square theta. One और 2 के बीच में. 2 आप multiply करोगे, वो 2 और 4 के बीच में. So determinant A will belong to close interval 2 to 4. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क में दिया था ना इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यस सर राइट वो तो हो गया है राइट क्वेश्चन नंबर 5 में करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट नहीं है ना राइट जस्ट आपको डिटरमिनेंट निकालना था एंड वो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाई थी वो चेक करना था वो जीरो आ रहा है कि नहीं फिर बचा क्वेश्चन नंबर 6 7 8 वो फटाफट करते हैं वो भी आपका हो जाएगा रोहित आप क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है बी कैन नॉट मैट्रिक्स टू डिटरमिनेंट और वाइस वर्सा मींस शायद कुछ आपके दिमाग में था बट वो लिखने में नहीं आया वी कैन नॉट चेंज मैट्रिक्स टू डिटरमिनेंट और वाइस वर्सा नहीं हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं रोहित हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज नहीं कर रहे हैं सी जब ये मैट्रिक्स दिया गया है तो सिर्फ ए लिखा हुआ है जब हम उसे डिटरमिनेंट लिख रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख रहे हैं दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स
क्लियर रोहित? ओके विवेक, अमेश, अमेश क्लियर है ना? राइट, अमेश इज देयर? राहिल नहीं आज, राहिल? चलो नेक्स्ट एवरीवन। ओके क्वेश्चन 5 ऑलरेडी आपका होमवर्क में हो गया है, जिसमें पहले डिटरमिनेंट ए निकालना था, फिर उसी को फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे रो के एलिमेंट से समर, तो यहाँ पे आपको वो आंसर मिल जाएगा राइट। इधर आपका जीरो होगा, आई थिंक ये आपने नहीं किया है राइट होमवर्क में। जितने लोगों ने नहीं किया है कर दो राइट, क्योंकि ये संडे आपको सब सबमिट करना है, नेक्स्ट वीक आपका पूरा चेकिंग होगा क्लास वर्क होमवर्क का, क्लास के साथ जब आप लिखते रहते हो तो उसके साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो एवरीवन। समर्थ आर यू देयर? समर्थ, लगता है समर्थ, समर्थ नहीं है। ओके डेल्टा वन, चलो डेल्टा और डेल्टा वन आपको दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा प्लस डेल्टा वन जीरो है। ओके चलो कैसे कर सकते हैं समझना, डेल्टा ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप डेल्टा को ध्यान से देखो, गौर से देखो इस डेल्टा को, अगर ये डेल्टा को जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें फर्स्ट कॉलम वन 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 है, डेल्टा वन में फर्स्ट रो वन 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 है, हा या ना? डेल्टा में थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, बट यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड है। डेल्टा में सेकंड कॉलम एक्स वाई जेड है, यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, हा या ना? यहाँ पे सब कॉलम वाइज है, यहाँ पे सब रो वाइज है, तो कॉलम को रो में, रो को कॉलम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर सेम, इजंट इट? डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपका सेम होता है। चलो बाकी और क्या कर सकते हैं समझना, बाकी अगर जब हमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें ये पता है कि अगर दो कॉलम, कुछ दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं राइट। सो वी कैन सी हियर कि ये ट्रिपल वन और ये एक्स वाई जेड ये इधर सेम है, अगर मैं इसको रो को कॉलम में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो तो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले मान लो मैं डेल्टा वन को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डेल्टा वन में सारे रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। सो वन 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 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई एक्स वाई जेड, यहाँ तक क्लियर है पहले एवरीवन? व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन ट्रांसपोज, इज दिस क्लियर राइट? And determinant of transpose and its original matrix are same, both determinant are same. So delta one, जो row wise है वही आपका इधर column wise हो जाएगा. Is this clear? हाँ ना? Right? Yes. Now Abhiram is telling sir we can convert one to zero. Yes Abhiram, one to zero मतलब वही method जो हम करते थे, ये one को पकड़ पकड़ के zero कर. हाँ sir. हाँ ठीक है, तो वो तो है, but कुछ और भी मेरे दिमाग में चल रहा है समझो यहाँ पे, जो एक नई process मुझे आपको सिखानी थी. हाँ यहाँ पे अगर आप इसको डेल्टा के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि सिंस आपको ऐड करना है, इधर वन 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 तो है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड है, समझना। तो ये एक्स वाई जेड को अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये एक्स वाई जेड को अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप मुझे ये बताओ पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स के साथ, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आपको पहली रो को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको दूसरी रो को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड तीसरी रो को जेड के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? द थिंग इज जब आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो होगा, बट साथ में ये वन आपका बिगड़ जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड जो सेकंड कॉलम में आपको वो इधर एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो सेकंड कॉलम में पूरा एक्स वाई जेड आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, बात की गहराई को समझो राइट, एक एक करके जाते हैं समझो। यहाँ पे रो वन में एक्स को मल्टीप्लाई किया, रो टू में वाई को मल्टीप्लाई किया, रो थ्री में जेड को मल्टीप्लाई किया। नाउ
अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, मैट्रिक्स में पूरा न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, ए बी इक्वल टू सी हम अप्लाई करते थे। डिटर्मिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर रो को, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई जाती है। हाँ, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो द थिंग इज, अगर मुझे बैलेंस करना है, बैलेंसिंग के लिए अगर मैं उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? वी नीड टू बिकम थानोस, वी नीड टू बैलेंस द यूनिवर्स, राइट? सो अगर हम पहले रो को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट को बैलेंस करने के लिए एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इन अ सेम वे दूसरी रो को वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एंड तीसरी रो को जब जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए जेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये पता चल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ एवरीवन? ये राइट, बिकॉज दिस इज न्यू। पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टी क्या है, अब वो प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है वो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने फॉर्मूला बुक में पढ़ा कि मैट्रिक डिटर्मिनेंट में आइदर हम हर एक रो या हर एक कॉलम में से किसी को कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी रो या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। अगर आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जेड टाइम्स हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/x, 1/y, 1/z। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मानसी क्लियर है? जाग रहे हो मानसी? आर यू देयर? रिया? यस सर। हाँ क्लियर है। निधि, अनागा, अनिशा, प्रद्युम्ना, ठीक है, वेरी गुड। सो अब यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y, अगेन एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z, एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। दिस इज क्लियर? डेल्टा वन आपका इधर आ जाएगा 1/xyz। अब समझो यहाँ पे, अब समझो। अब वापस दूसरी प्रोसेस। यू नो दैट डिटर्मिनेंट में से मैं हर एक रो या कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट? रो वाइज या कॉलम वाइज। क्या सेकंड कॉलम में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? यहाँ पे सेकंड कॉलम में कुछ दिख रहा है सभी जगह पे? क्या एक्स वाई जेड को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ फ्रॉम सेकंड कॉलम, राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। फ्रॉम सेकंड कॉलम कैन आई टेक दिस एक्स वाई जेड कॉमन? कृष्णा, राइट? यस सर। ओके रोहित, पता चल रहा है ना? So if I take this x, y, z common from second column में आपका बच जाएगा 1, 1, 1, बाकी दोनों कॉलम as it is, so this x, y, z, x square, y square, z square as it is, ये cancel, so delta 1 आपको मिल जाएगा x, y, z, 1, 1, 1, x square, y square, z square. Now again, if you are changing this first two columns, that is x, y, z and 1, 1, 1, अगर आप ये पहले दोनों कॉलम को चेंज कर रहे हो, C1 को C2 के साथ चेंज कर रहे हो, तो क्या चेंज होगा बोलो कृष्णा? डिटर्मिनेंट में क्या चेंज होता है जब आप दो कॉलम या दो रो को चेंज करते हो? माइनस हो जाएगा। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। दिस इज x, y, z एंड दिस इज x square, y square, z square. So delta 1 is equal to minus, यही आ गया 1, 1, 1, x, y, z, x square, y square, z square. Yes or no? Right? 1, 1, 1, x, y, z, x square, y square, z square. Can I say that? ये delta ही तो आ गया आपका. Right, Samya? Is this delta or not? Right. So, therefore, delta 1 is equal to minus delta. Minus delta इधर आएगा, तो delta 1 plus delta equal to 0. होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। सबको क्लियर है? सबको आसान है? आया ना? मस्त वाला, आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? सानिया क्लियर है? एनीवन? शैल आई रिपीट अगेन? प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, रिपीट। थर्ड स्टेप रिपीट करो। हाँ कृष्णा रिपीट। आपने रिपीटेशन के लिए बोला ना कृष्णा? चलो समझो यहाँ पे। ज़ूम आउट कर दो सर। हाँ बोलो। ज़ूम आउट कर दो सर। हाँ हाँ ज़ूम आउट, क्या फिर बहुत छोटा हो जाएगा, तो इतना पहले कर दो, फिर दो क्वेश्चन दिखाता हूँ और, राइट? सो डेल्टा है आपका 1 x x square, 1 y y square, 1 z z square,
डेल्टा वन है आपका 111 बाई जेड जेड एक्स एक्स वाई एक्स वाई जेड। तो पहले पहला फोकस मेरा ये 111 और ये 111 पे गया, तो मुझे ये पता है कि डेल्टा वन और डेल्टा में कुछ तो सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी चेक करने के लिए मैंने सारी रो को पहले कॉलम वाइज कन्वर्ट कर दिया, इन शॉर्ट मैंने डेल्टा वन का ट्रांसपोज ले लिया। सो दिस 111 रो वाइज बिकेम 111 कॉलम वाइज, दिस वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बिकेम कॉलम वाइज लाइक दिस, दिस एक्स वाई जेड बिकेम कॉलम वाइज लाइक दिस। नाउ अब मैंने ये एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को फोकस किया, तो इसके लिए मुझे आर वन को एक्स, आर टू को वाई और आर थ्री को जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ एक्स वाई जेड, मुझे उसको बैलेंस करने के लिए एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स है ना, हम डायरेक्टली प्लस फाइव इंटू फाइव नहीं कर सकते, इंटू फाइव कर रहे हैं तो डिवाइड बाई फाइव करना पड़ेगा, प्लस फाइव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन बाई फाइव करना पड़ेगा। सो एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एक्स वाई जेड के साथ डिविजन। फिर जब ये एक्स वाई जेड के साथ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, दिस इज एक्स एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर। सेकंड कॉलम में से मैं एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल सकता हूँ, एक्स वाई जेड कैंसिल, ये 111 आ गया, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन दोनों को जब इंटरचेंज किया, सो दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा, एंड इंटरचेंज की वजह से आया माइनस साइन, सो डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो दोनों को एड करोगे तो वो जीरो ही होगा। इन शॉर्ट बोथ आर देयर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यस और नो, डेल्टा एंड डेल्टा वन। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, फिर दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन एट, तो वो जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, एंड फिर आप होमवर्क के क्वेश्चंस घर से ट्राई करो, होमवर्क के क्वेश्चंस कल हम डिस्कस कर लेंगे। एंड यस रोहित, हाँ सानिया, स्क्रॉल डाउन मतलब यही पॉइंट, स्क्रॉल डाउन करो कि स्क्रॉल अप करो सानिया? होमवर्क के क्वेश्चंस आज ट्राई कर पाओगे ना, कि संडे की एग्जाम के लिए पढ़ना है? अगर संडे की एग्जाम के लिए पढ़ना है तो फिर संडे आपका होमवर्क बढ़ जाएगा, वी आर गेटिंग माय पॉइंट, नहीं तो मंडे, एग्जैक्टली मंडे मैथ्स क्लास नहीं होगी, तो कल 19.4 शुरू कर देंगे, तो 19.3 19.4 का दोनों का होमवर्क आप फिर मंडे कर सकते हो, फिर ट्यूसडे हम डिस्कस कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, क्योंकि 19.4 में थियरी में उतना टाइम नहीं जाएगा जितना 19.3 की थियरी में गया था, डिटरमिनेंट फर्स्ट पॉइंट 4 और पॉइंट 3 का होमवर्क एक साथ कर लेंगे, क्योंकि M3 का एग्जाम है। हाँ वही, ठीक है, तो 19.4 हम कल पढ़ेंगे, हाँ क्योंकि M3 JEE वाला रहेगा एंड मैट्रिक्स आपका वो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये लिख दिया सबने, शैल आई शो यू नेक्स्ट? लिखने के लिए आप वन नोट लिंक का भी यूज कर सकते हो। सर ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन एवरीवन? ओके, रोहित इज आस्किंग सर ये वीक का स्टोरी टेलिंग, हाँ स्टोरी टेलिंग, ये दो क्वेश्चन पहले खत्म करते हैं। Without expanding, show that cos x square x, cot square x 1, cot square x, cos x square x minus 1, 42, 42 equal to 0. क्या cos x square x और cot square x के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ या ना? क्या रिलेशन है? हाँ सर, cos x square, cot square x is equal to 1. हाँ, बोलो रिया, cos x square x और cot square x में क्या रिलेशन है रिया? रिया फॉर्मूला? अनगा, cot square x cos x square x के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला, भाई बहन है, चाचा भतीजे हैं, मामा भांजा है, एनीथिंग? cos x square x minus cot square x is equal to 1. Okay, in short 1 plus cot square x is equal to cos x square x, हाँ या ना? ठीक, या 1 plus cot, जिस तरीके से आपने याद रखा, मैंने 1 plus कॉट स्क्वायर करके याद रखा है, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स आप ऐसा बोल रहे हो, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पे, राइट?
अगर ये मुझे अप्लाई करना है, मैं सी वन में से सी टू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सी वन में से सी टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना, दिस विल बी योर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो वो वन हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, 42 माइनस 42 हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, 40 एज इट इज, 1 माइनस 1 2, अब तो क्लियर है ना, विदाउट एक्सपेंशन 0, वाई, बिकॉज सी वन इक्वल टू सी थ्री, क्लियर है बॉस, आया ना स्प्राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जितेंद्र वैसे कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है विदाउट एक्सपांडिंग, तो यहाँ पे एक्सपांशन नहीं करना है राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलो आगे बढ़े, एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू अग्री quickly, last question. Yes, sir. Sir. Okay. So question number 8, last question of your in-class exercise 19.3. फटाफट इसे finish करते हैं. अब find the value of determinant. इसकी value हमें find करनी है. तो पहले आप वही apply कर सकते हो जो हर question में पूछ रहे हो कि सर क्या हम इसको सारस rule apply कर सकते हैं? हाँ, सारस rule apply करोगे बहुत गंदा होगा, लंबा होगा, but कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, right? बट अगर आप ऑपरेशन वाइज देखो तो काम आपका आसान हो सकता है, चलो वो सोचते हैं। सो रो वाइज कुछ कॉमन निकालना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बिकॉज़ रूट 23 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो रूट 46 रूट 23 इनटू रूट 2 है, फिर रूट 115 रूट 46 रूट 23 इनटू रूट 2 है, एग्री, रूट 15 रूट 3 इनटू रूट 5, हां हां 115 और ये रूट रूट 23 इनटू रूट 5, ओके रूट 23 इनटू रूट 5, तो उससे कुछ हो सकता है, उससे कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट द थिंग इज यहां पे मल्टीपल अलग अलग है, तो मल्टीपल जैसे ये रूट 23 का रूट 2 मल्टीपल है और रूट 3 का रूट 5 मल्टीपल है, तो हम क्या कर सकते हैं अगर रो वाइज करेंगे भी तो एक ही कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, तो हम कॉलम वाइज देखते हैं अभी राइट, ये रो वाइज में हमें यहाँ पे अभी कंफ्यूजन है, तो कॉलम वाइज में ये कॉलम में से कुछ कॉमन निकल सकता है रूट 5, रूट 5 इन अ सेम वे यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है सेम रूट, तो अगर मैं दोनों में से पहले रूट 5 कॉमन निकाल रहा हूँ, सो दिस डिटरमिनेंट विल बी आई एम टेकिंग रूट 5 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, आई एम टेकिंग रूट 5 सॉरी कॉलम 2, सिमिलरली कॉलम 3, एंड जो आपको यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है वो लिख भी देते हैं साथ में तो हमें पता चलेगा, जैसे ये है रूट 23 प्लस रूट 3, रूट 46 से आपका रूट 2 इंटू रूट 23, रूट 15 है आपका रूट 3 इंटू रूट 5, 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, रूट 115 को हम लिख सकते हैं रूट 23 इंटू रूट 5, करेक्ट, ये आपका ऑब्जर्वेशन हाँ या ना, रूट 5 बाय रूट 15, रूट 5 में से रूट 5 गया बचेगा 1, 5 में से रूट 5 गया बचेगा रूट 5, फिर रूट 15 में से रूट 5 गया क्या बचेगा रूट 3, हाँ या ना, इन अ सेम वे अब रूट 5 रूट 10 रूट 5, एक रूट 5 गया बचा 1, यहाँ पे बचा है आपका रूट 2 एंड यहाँ पे बचा है आपका रूट 5, ओके नाउ अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास 1 रूट 2 रूट 5, ये 1 रूट 2 रूट 5 और कहीं दिख रहा है आपको, तो वो रूट 23 से कॉमन निकलने से वो 1 रूट 2 यहाँ पे 1 रूट 2 रूट 5, यू कैन टेल मी यस इफ यू अग्री हाय या ना एवरीवन, हाँ सर, हाँ सर, सिमिलरली इधर आपके पास है 1 रूट 5 रूट 3, क्या वो कहीं पे दिख रहा है 1 रूट 5 रूट 3, हाँ सर सेकंड वन, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले रो वाइज कुछ कॉमन नहीं था, कॉलम वाइज हमने कॉमन निकाला तो हमारा पूरा शॉर्ट आउट हो गया, अब आप यहाँ पे सिंपल सी बात है समझो,
C1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो C3 को किससे मल्टीप्लाई करके, रूट 23 से मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना? जब C3 को मैं रूट 23 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली तो पूरी कॉलम ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, राइट? 1 इनटू रूट 23 रूट 23 प्लस कर सकते हैं ना बाहर डायरेक्टली रूट 23 क्या सर, डायरेक्टली रूट 23 प्लस 3 को बाहर ले सकते हैं क्या? रूट 23 प्लस रूट 3 नहीं, डायरेक्ट बाहर नहीं ले, नहीं नहीं सर नहीं ले पाएंगे, नहीं 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 हां, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ये डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के प्लस में लिखना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो, एक में रूट 23 बाहर, एक में रूट 3 बाहर, फिर 0 0 लाइक दैट। और इधर C2 में हम क्या कर सकते हैं, C2 के साथ माइनस सॉरी अगेन C1 में से ही C2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वापस, जिसमें हम उसको रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर दोनों प्रोसेस एक साथ करनी है माइनस C2 इंटू रूट 3, C2 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C3 को रूट 23 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो C1 जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? रूट 5 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका जीरो, C2 एज इट इज 1 रूट 5 रूट 3, C3 एज इट इज 1 रूट 2 रूट 5, सो फाइनल आंसर विल बी जीरो। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? सर कोई भी एक रो या कॉलम में पूरा जीरो हुआ तो वो जीरो होता है ना वैल्यू डिटरमिनेंट? हाँ, हाँ. Yes. ओके आसान है, बोलो यहाँ पे आपके 19.3 के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ओके तो अभी तो आप एग्जाम के लिए पढ़ो, इसके होमवर्क के क्वेश्चंस फिर आप साथ में करना मंडे को, राइट? संडे तो आप एग्जाम दोगे, फिर संडे थोड़ा रिलैक्स हो जाना, एंड 19.4 का इन क्लास एक्सरसाइज मैं आपको कल कराता हूँ, कल 19.4 के थियरी इन क्लास एक्सरसाइज, तो 19.3 का होमवर्क, 19.4 का होमवर्क, ये दोनों आपको मंडे करना होगा, राइट? तो ट्यूसडे हम वो डिस्कस कर सकते हैं, टीपीपी में भी 30 क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट वीक फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का आपका जेई लेवल का एग्जाम होगा, एंड उसके साथ डिटरमिनेंट का बोर्ड्स लेवल का भी, राइट? बोलो आसान है ना, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, कर सकते हैं।